तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा वाईटी। तो चलिए फर्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि है कैरी मिनाटी के बारे में। तो गाइज, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था कि कैरी मिनाटी का जो नया सॉन्ग है वो जल्द ही रिलीज होने वाला है, बट मैंने रिलीजिंग की डेट नहीं बताई थी। एंड पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में शायद ही किसी को इस म्यूजिक वीडियो की रिलीजिंग डेट पता होगी, बट मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी जिसके वजह से मैं आपको बता सकता हूँ कि कैरी मिनाटी का जो नया म्यूजिक वीडियो है वो किस तारीख को आने वाला है। तो शायद आपने ध्यान दिया होगा कि जो म्यूजिक वीडियो आ रहा है उसका नाम वरदान है, एंड जो कैरी मिनाटी के मैनेजर है दीपक चर, उनके बेटे का नाम भी वरदान है। एंड बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो म्यूजिक वीडियो है वो वरदान के बर्थडे पे आएगा, और जो दीपक चर का बेटा है उसका बर्थडे 4 फरवरी को आता है। कैरी मिनाटी अभी म्यूजिक वीडियो की शूटिंग में बिजी हैं, एंड उसके बाद उसकी एडिटिंग होगी एंड बहुत कुछ होगा, उसके बाद वो अपलोड किया जाएगा। उसमें 18 से 19 दिन तो निकल ही जाएंगे, और आज से 18 दिन बाद 4 फरवरी आता है। तो मुझे 80% तो यकीन हो गया है कि ये म्यूजिक वीडियो 4 फरवरी को ही आएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हां गाइस, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो कोई देता नहीं है, तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं 800 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है टेक्निकल सागर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि टेक्निकल सागर ने एक वीडियो निकाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि फ्री फायर बेकार है, एंड इस वीडियो के बाद उनको काफी ज्यादा हेट मिलने लगा था फ्री फायर कम्युनिटी वालों की तरफ से, एंड बहुत सारे रोस्टर तो उनको रोस्ट भी कर चुके थे। तो आज फाइनली उन्होंने अपनी वीडियो में फ्री फायर वालों को रिप्लाई दे दिया। तो चलिए देखते हैं उनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप। मैंने किसी के बारे में कोई खराब बात नहीं की, ये नहीं कहा कि ये गेमर ऐसा है वो गेमर ऐसा, नहीं। मैंने यहां पर रियलिस्टिक कौन सा ज्यादा गेम है इसके बारे में बात की, और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने लास्ट में ये कहा, मैंने ऊपर से उस गेम की बढ़ाई की, तारीफ की, मैंने ये कहा कि आपको वो गेम स्ट्रीम करना चाहिए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर उस वीडियो को पूरा देखिए। अब ज्यादातर प्रॉब्लम क्या हुई मैं आपको बताता हूं। वहां पर मैंने टाइटल में लिखा था फ्री फायर बेकार है, राइट? आपको पता होगा कि मैं अपनी वीडियोज में अब लंबे टाइटल नहीं लिखता हूं, मेरे को टाइम नहीं मिलता इतना लंबा लिखने का, या इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप, ये मैं आपको सब यूट्यूबर्स को बता रहा हूं जो लोग यूट्यूबर हैं, जब आप अपनी सारी जानकारी वीडियो के टाइटल में ही लिख दोगे तो लोग वीडियो नहीं देखते। जब तक टाइटल में क्यूरियोसिटी फैक्टर नहीं होता, लोग उसको क्लिक नहीं करते। ये जितने लोग बोल रहे हैं गेमर्स हैं, या जितने लोग बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मेरे ख्याल से उनको यूट्यूब पर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मेरे को 5-6 साल हो चुके हैं, मुझे मालूम है चीजें कैसे काम करती है, ठीक है? तो वो मैंने कोई इंसल्ट करने के लिए नहीं लिखा फ्री फायर बेकार है, ये एक क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं था। वो इसीलिए ताकि क्यूरियोसिटी बने, लोग वीडियो को क्लिक करें, पूरा वीडियो को देखें और एनालाइज करें। लेकिन ज्यादातर क्या हुआ, दूसरे गेमर्स के या दूसरे स्ट्रीमर्स के कहने पर पब्लिक सिर्फ टूट पड़ी, उन्होंने पूरा वीडियो को देखा ही नहीं। यहां पर मैंने बात की कि गेम रियलिस्टिक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हां, मैं आज भी उसी बात पर अड़ा हुआ हूं कि वो गेम इतना रियलिस्टिक नहीं है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है हिंदुस्तानी भाव के बारे में। तो गाइस, यहां पे सिद्धार्थ कनन के YouTube चैनल पर उनका एक इंटरव्यू आया है, जहां पर उनसे पूछा गया कि उनका जो YouTube चैनल है उसको डिलीट मार दिया गया, उनका Instagram अकाउंट था उसको भी डिलीट मार दिया गया, तो उस पे उनका क्या रिएक्शन था। तो आइए उस पूरी वीडियो से मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा देता हूं। तो आपको कहीं अफसोस है कि आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब बैन हुआ? ये तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, बाकी क्या है, आज करोड़ों लोगों को मालूम है कि भाऊ का अगर कितना भी अकाउंट उड़ गया तो भी भाऊ को इतना प्यार करते कि किसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो भी बनाओ तो बात पूरे दुनिया तक पहुंच जाती है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मुझे धमकिया, मैं अभी आपको फ़ोन बताऊंगा मेरे, इसमें कितने मुझे कॉल आते हैं बाहर से, ठेठ कॉल आते कि तुझे ठोक डालेंगे करके। ISI वालों का भी धमकी आया था बीच में, जो बहुत वायरल हो गया, न्यूज़ में भी बहुत आया कि तेरे को ठोक डालेंगे, तेरे पे 10 करोड़ का इनाम रखा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को। पहले भी बोला है कि कुत्ता बिल्ली का मौत नहीं मरेगा, मरेगा तो शेर के जैसा मरेगा, और ये देश के लिए एक जान कुर्बान, परवाह नहीं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में। तो अभी रिसेंटली टेक्निकल गुरुजी ने अपने वीडियो में बताया कि पबजी मोबाइल का जो नया ट्रेलर था वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो आइए उनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं। निकल के आती है वो है हमारे पास में पबजी को लेके, और यहाँ पर दोस्तों पबजी मोबाइल इंडिया की तरफ से जो रिपोर्ट हम सुन रहे थे ना कि वो 15 से 19 के बीच कुछ कुछ होने वाला है, वो लगता है कि वाकई में होने वाला है। हम शायद दोस्तों बहुत कुछ मेजर अपडेट सुनेंगे पबजी की तरफ से, वो क्या एक नया टीजर होगा, क्या कोई नया ट्रेलर होगा, या क्या होगा पूरा कंप्लीट दोस्तों सेटअप पबजी का, वो खैर देखते हैं, बिकॉज इंडिया में सभी लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक के बाद एक इंडिकेशन मिल रहे हैं कि हाँ कुछ तो डेफिनेटली अनाउंसमेंट आने वाला है पबजी की तरफ से इसी अभी अगले 2-4-5 दिनों में। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं।
करते हैं जो कि है ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो गैस उन्होंने अभी एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी है, वो वीडियो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। तो इसी वीडियो को लेकर ट्रिगर्ड इंसान ने ट्विटर पे ये ट्वीट किया, हेलो यूट्यूब इंडिया प्लीज हेल्प, द वीडियो आई पोस्टेड यस्टरडे वाज ऑन ट्रेंडिंग पेज टिल मॉर्निंग, इट सडनली गोट रिमूव्ड फ्रॉम द पेज विच इज फाइन बट इट ऑल्सो गोट रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन पेज एज वेल। मतलब ये वाली जो वीडियो है वो सब्सक्राइबर के सब्सक्रिप्शन पेज में नहीं दिखाई दे रही है, अगर उनका आप चैनल सर्च करते हो तभी ये वाली वीडियो आपको दिखाई देगी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि है गौरव जोन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो कि गौरव जोन की किसी से भी नहीं पड़ती, तो गाइस जिन्होंने भी उसकी वीडियो का क्लिप यूज किया उन सभी के ऊपर वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहा है। तो उनके इंस्टाग्राम स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट आप भी देख लो। वापस लंका लगाने सबकी, लोग मानते नहीं है, डीट है बहुत नहीं। अब देखो फिर से कॉपी वीडियो उठा ली और फिर से स्ट्राइक लगी। 100% मैच विदाउट एनीथिंग, 100% मैच है। देखो तुम्हारा काम है, एक भी नहीं बचना चाहिए। चलो शुरू करते, एक नहीं बचना चाहिए। नहीं आकाश भाई की कसम नहीं बचेगा। लोडी में गिफ्ट दो, रेवड़ी मूव ले। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि है शादाब खान के बारे में। तो अभी हाल ही में उनके ऊपर रेप केस का FIR हो गया था, तो इसी से रिलेटेड एक अपडेट है जहां पे अली कासिफ खान जो उनके लॉयर हैं उन्होंने कुछ बताया है। तो आइए उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हैं। तो गाइज एक खबर आप लोगों को दे रहा हूँ आज मैं, शादाब खान की और शादाब खान के ऊपर जो लड़की ने रेप केस फाइल किए उन दोनों की एंटीसिपेट रिबेल एप्लीकेशन कैंसिल हो गई आज थाना सेशन कोर्ट से। दोनों की कैंसिल हो गई है। शादाब की क्यों कैंसिल हुई है वो तो अभी मैं हाईकोर्ट में वो मैटर पुट अप करके वहाँ पे हाईकोर्ट समझाऊंगा वो चीज़, लेकिन लड़की जो है लड़की का भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कैंसिल हो गया क्योंकि सेशन कोर्ट को सेशन कोर्ट ने ये पुट अप किए रीज़न कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह बाकी है तो इसीलिए बेल नहीं दिया जाए, तो लड़की की भी बेल एप्लीकेशन कैंसिल हो गई। तो जो भी वन साइड अगर न्यूज़ चलवा रहे हैं तो इसलिए क्लेरिफिकेशन देने के लिए मैंने पुट अप किया हूँ। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट और जो भी सच है वो जल्दी सब कुछ सामने आ जाएगा। और शादाब जहाँ पे भी है जैसा भी है वो सेफ है एंड ही इज़ नॉट राइट नाउ इन जेल, ही इज़ नॉट इन जेल, ये भी आप लोग फैक्ट्स क्लियर कर लो। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर आपके पास भी कोई अच्छी न्यूज है तो उस न्यूज को आप मुझे भेज सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड जो भी मेरे पास अच्छी न्यूज भेजेगा मैं उसको क्रेडिट भी दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड उसके कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।